हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू प्लेस एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म को कैसे प्लेस करना है आपको, जब आप आईओपीए लेते हैं, इंट्रा ओरल पेरियापाइकल रेडियोग्राफ हम जब लेते हैं तो कैसे प्लेस करना है, किस टीथ के लिए कहाँ पर आपको रखना है, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके पहले आप वीडियो देख सकते हैं एक्सरे फिल्म के कंपोनेंट्स पे। एक एक्सरे फिल्म मेरे पास है, इसके कंपोनेंट्स पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, तो ये वीडियो समझने में आपको और आसानी होगी। तो पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको याद रखना है प्लेसमेंट के समय एक्सरे के, तो आपको आसानी होगी। तो पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, फिर आपको डमी मॉडल में मैं दिखाता हूँ, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है पॉइंट, जो इसमें एम्बोस डॉट होता है एक्सरे फिल्म में, यहाँ पर जो होता है, पहले हमने बताया भी हुआ है, ऐसा एक डॉट होता है, ये हमेशा टुवर्ड्स दी ऑक्लूजल प्लेन होगा, जो इसको ऑक्लूजल प्लेन की तरफ आपको हमेशा रखना है। मतलब कि अगर आप मैक्सिलरी आर्च का ले रहे हैं एक्सरे, तो आपको इसको नीचे की साइड रखना है, डाउनवर्ड्स रखना है, और अगर आप मैंडिबुलर आर्च का एक्सरे ले रहे हैं, मैंडिबुलर टूथ का एक्सरे ले रहे हैं, तो आपको इसको अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है, इसको ऊपर की तरफ रखना है। अभी मैं जब बताऊंगा डमी मॉडल में तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो इसका वाइट सरफेस है एक्सरे का, एक्सरे फिल्म का जो वाइट सरफेस है, ये हमेशा टुवर्ड्स दी कोन होगा, जहाँ से हमारा एक्सपोजर आ रहा है उसकी तरफ फेस किए होगा, जहाँ से हमारा एक्सपोजर आ रहा है उसकी तरफ होगा, और दांत जो है, जो हमारा टूथ है, वो बीच में होगा। और जो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, जिस भी टूथ का आपको एक्सरे लेना है वो हमेशा कोशिश करेंगे बीच में आए, मिड पॉइंट पे आना चाहिए, जो हमारा एक्सरे फिल्म है उसके बीच में आना चाहिए, हमेशा मिडिल में आना चाहिए। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि जो फिल्म का प्लेसमेंट आप करेंगे, अगर आप मैक्सिलरी में कर रहे हैं तो हमेशा पैलेटल साइड यूज करेंगे, पैलेटली इसको प्लेस करना है, और जब आप मैंडिबुलर आर्च में यूज करेंगे, मैंडिबुलर टूथ में यूज करेंगे, तो आपको इसको लिंगुअली प्लेस करना है। तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है कि एम्बोस डॉट कहाँ पर होगा, वाइट सरफेस कैसे रखना है, टूथ को कहाँ पर रखना है एक्सरे के बीच में हमको रखना है, और प्लेस कैसे करना है फिल्म को। तो चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैंने अरेंज कर लिया है, एक जॉ सेट लिया हुआ है समझाने के लिए, ये हमारा एक्सरे होल्डर है और एक एक्सरे फिल्म है। तो इसको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसमें एक्सरे होल्डर में लगा कर कैसे यूज़ करते हैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट की बात की थी हमने, कि ऑक्लूजल डॉट को या एम्बोस डॉट को हमेशा ऑक्लूजल प्लेन की तरफ होना चाहिए। तो ये ऑक्लूजल डॉट यहाँ पर है, अब ऐसा फील करते हैं तो आपको समझ में आएगा, उभरा हुआ फील होगा, पहले के वीडियो में हमने बताया हुआ है। अब इसको कैसे प्लेस करना है, जैसा हमने बोला था कि मैक्सिलरी में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि ऑक्लूजल प्लेन हमारा ये हो गया, ये ऑक्लूजल प्लेन है तो इसकी तरफ होना चाहिए। तो मैक्सिलरी में यूज़ कर रहे हैं तो नीचे की तरफ होना चाहिए ऑक्लूजल डॉट, ऐसा, और अगर इधर साइड यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा, और जब हम मैंडिबल में यूज़ करेंगे, नीचे की तरफ यूज़ करेंगे, तो ऑक्लूजल डॉट ऊपर होना चाहिए। मतलब इसको मैं ऐसे घुमा लेता हूँ, ये देखिए, इस तरीके से ऑक्लूजल प्लेन की तरफ, ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऐसे ही अगर इधर साइड लेना हो तो इस तरीके से ऊपर की तरफ होगा। तो पहला पॉइंट यही है कि ऑक्लूजल डॉट जो है ऑक्लूजल प्लेन की तरफ होना चाहिए, मैक्सिलरी में अगर कर रहे हैं तो इसको नीचे की तरफ होगा, और मैंडिबल में कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ होगा। तो जो सेकंड पॉइंट हमने बताया था कि ये जो वाइट सरफेस है ये हमेशा कोन की तरफ होगा, मतलब जहाँ से एक्सपोजर आ रहा है, एक्सरे आ रहा है उसकी तरफ होगा, तो इसको ऐसे रखना है कोन की तरफ, मतलब ये ऐसा होगा और एक्सरे हमारा यहाँ से हमेशा बाहर की तरफ से आएगा,
इस डायरेक्शन में एक्सरे आएगा तो फिल्म को ऐसे रखना है, अगर इधर रखेंगे तो ऐसे रखना है। और अब थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमने आपसे बोला था कि जो टूथ है, जिस भी टूथ को आप एक्सरे ले रहे हैं वो मिड में आना चाहिए, तो वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको इस टूथ का एक्सरे लेना है तो एक्सरे फिल्म में ये बीच में आना चाहिए। ये देखिए, ये जो एक्सरे फिल्म है इसके बीच में आना चाहिए, इसके मिड में आना चाहिए। अगर आप आगे का टूथ का लेते हैं प्रीमोलर का, तो एक्सरे फिल्म को थोड़ा आगे करेंगे, वो साइड में नहीं आना चाहिए, मिड में आना चाहिए जिस भी टूथ का एक्सरे आप ले रहे हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, आपको ये फिल्म प्लेस किया तो समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर मैक्सिलरी में हम ले रहे हैं तो फिल्म को पैलेटली साइड प्लेस करना है, पैलेटल साइड प्लेस करना है ऐसा। और मैंडिबल का अगर आप ले रहे हैं तो इसको लिंगुअल साइड प्लेस करना है, अंदर की तरफ ऐसे प्लेस करना है। ऐसा कभी भी प्लेस नहीं करना है एक्सरे फिल्म को, लेबियल साइड या बक्कल साइड कभी भी प्लेस नहीं करना है। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स ऐसा गलती करते हैं। तो चलिए मैं अब आपको एक्सरे होल्डर में लगा के बता देता हूँ फिल्म को कैसे प्लेस करनी है और किस टूथ के एक्सरे के लिए कैसे आपको रखना है। तो ये एक्सरे होल्डर है हमारा, इसको बाइट ब्लॉक बोलते हैं इस पोर्शन को। ये हमेशा बक्कल साइड होगा और इसमें पेशेंट से बाइट करवाते हैं, और जो ऑक्लूजल डॉट है वो इस बाइट ब्लॉक की तरफ ही होगा। तो एक बार हम ऐसे लगाएंगे, ये देखिए ऐसे लगाना है आपको और यहाँ से लॉक कर देना है। ये ऑक्लूजल डॉट को आपको ऑक्लूजल प्लेन की तरफ रखना है। तो जब ऐसे हम लगाएंगे तो ये कहाँ के लिए हो जाएगा, मैंडिबल में ये लेफ्ट साइड के लिए हो जाएगा। इसको ऊपर की तरफ रखना है, ऐसे प्लेस करेंगे, ये देखिए। तो मैंडिबल के जितने भी मोलार्स हैं उनके लिए ये पोजीशन रखेंगे, और अगर प्रीमोलर लेना है तो थोड़ा सा हम आगे प्लेस कर देंगे। वो पेशेंट से ऐसा बाइट कराकर फिर यहाँ से एक्सपोज करते हैं। कितने एंगल में एक्सपोज करते हैं, कौन के एंगल पर, वीडियो हम आगे लेकर आएंगे, अभी हम सिर्फ फिल्म पोजीशन की बात कर रहे हैं। अब सेम ऐसा ही लगा हुआ आपने ये लेफ्ट साइड में यूज़ किया मैंडिबल के, अब इसको आप ऐसा टर्न कर देंगे तो ये मैक्सिलरी के राइट साइड में यूज़ हो जाएगा। जो ऑक्लूजल डॉट है, एम्बोस डॉट है, ये नीचे की तरफ ऑक्लूजल प्लेन की तरफ आ जाएगा और ऐसे आप प्लेस कर सकते हैं, ये देखिए, और ऐसे बाइट कराएंगे पेशेंट से। ये हो गया मैंडिबल के लेफ्ट साइड के लिए और मैक्सिलरी के राइट साइड के लिए। अब इसको आप ये देखिए ऐसे लगा लेंगे, और इसको एक बार ऐसे लगा लेना है आपको, तो ये हो जाएगा मैक्सिलरी के लेफ्ट साइड के लिए, ये देखिए जो पोस्टीरियर्स हैं उसके लिए हो जाएगा बाइट ब्लॉक, बक्कल साइड हो गया, जो एम्बोस डॉट है ऑक्लूजल प्लेन की तरफ हो गया, तो ये हो गया मैक्सिलरी के लेफ्ट साइड के लिए, ऐसा ये लग जाएगा, ये देखिए। और सेम इसी पोजीशन में इसको आप नीचे घुमा दीजिए तो ये मैंडिबल के राइट साइड के लिए हो जाएगा। तो ये हो गया पोस्टीरियर्स के लिए पोजीशन। अब मैं आपको एंटीरियर्स के लिए बता देता हूँ, मैक्सिलरी मैंडिबल एंटीरियर के लिए। तो इसके लिए आपको कैसे प्लेस करना है, होल्डर में ये सामने का जो पोर्शन है इसके लिए होल्ड करने के लिए होता है, एक ही पोजीशन रखना है। जैसे आपको पोस्टीरियर्स के लिए दो पोजीशन रखनी थी और आपने चारों क्वाड्रेंट का एक्सरे ले लिया दो पोजीशन में, तो एंटीरियर्स के लिए आपको सिर्फ एक ही तरीके से लगाना है, उसमें आप मैक्सिलरी मैंडिबल दोनों का ले सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए, जो ऑक्लूजल डॉट है ये नीचे की तरफ इसमें लगाइए और इसमें प्लेस कर लीजिए ऐसा, ये देखिए। तो ये पोजीशन हो गई एंटीरियर के लिए। अब आपको मैक्सिलरी को अगर लेना है तो यहाँ पर भी वही ध्यान रखना है, एम्बोस डॉट को आपको ऑक्लूजल प्लेन की तरफ रखना है, तो मैक्सिलरी में नीचे की तरफ रखना है, तो ऐसा आप प्लेस करेंगे। ये डमी मॉडल है इसलिए पूरा नहीं जाएगा, पेशेंट के मुँह में अच्छे से प्लेस हो जाता है, तो ऐसा प्लेस करना है आपको, ये देखिए साइड से दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे प्लेस करना है। और मैंडिबल के लिए
आपको इसको टर्न कर लेना है तो ऑक्लूजल डॉट आपका ऊपर आ जाएगा, इसको इस तरीके से प्लेस करना है और एक्सपोज हम यहाँ बाहर से करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और किन टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।